तो गाइस ये देखिए हमारी अप्सरा किट में हमें कुछ इतने प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। गाइस ये देखिए क्वालिटी वाइज अप्सरा के एंड डोम्स की क्वालिटी काफी बेस्ट देखने को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लव ए टू जेड पर। तो गाइस आज की वीडियो हमारे पास ये देखिए डोम्स, अप्सरा एंड फ्लेयर की तरफ से आने वाली 8 किट्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम इन तीनों किट का कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे एंड आपको बताएंगे कौन सी किट आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी एंड आपको एमआरपी के हिसाब से कौन सी किट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। एंड गाइस एमआरपी की बात करें तो ये किट हमें तीनों किट हमें 99 रुपीज एमआरपी में आपको इजिली मार्केट में मिल जाती है, कम में भी कई बार मिल जाती हैं। तो गाइस ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए सबसे पहले मैं किट का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये देखिए फ्लेयर की क्रिएटिव किट, जो गाइस यहां पे हमारी फ्लेयर की ब्रांडिंग एंड यहां पे हमारी क्रिएटिव किट लिखा हुआ है। एंड गाइस नीचे की साइड ये देखिए सुपर किट लिखा हुआ है। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो ये देखिए हमारी कुछ प्रोडक्ट की डिटेल एंड एमआरपी यहां पे दिया हुआ है। एंड गाइस इसके साथ सेकंड किट हमारी डोम्स की है, ये देखिए डोम्स की यहां पे हमारी ब्रांडिंग एंड चैंपियन किट इसका नाम है। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो ये देखिए यहां पे भी हमारी प्रोडक्ट की डिटेल एंड 99 रुपीज इसका एमआरपी दिया। एंड गाइस थर्ड किट हमारी है अप्सरा की तरफ से। गाइस ये देखिए यहां पे हमारे सबसे ऊपर हमें अप्सरा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड गाइस यहां पे नीचे हमारा 99 रुपीज एमआरपी। एंड गाइस उसके बिल्कुल नीचे हमारे स्कूलर्स किट देखने को मिलता है। एंड गाइस बैक साइड भी इसके इसी तरह यहां पे देखिए प्रोडक्ट की डिटेल एंड गाइस एमआरपी। तो गाइस इसे यहां पे रखते हैं। एंड गाइस इसी के साथ हमारी सबसे पहले हम फ्लेयर की क्रिएटिव किट को ओपन करके दिखाते हैं आपको इसमें कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं। तो गाइस ये देखिए यहां से हमारी किट ओपन होती है। तो गाइस ये देखिए यहां से हम इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए गाइस सबसे पहले हमारी फ्लेयर की किट में हमें देखने को मिलती है ये देखिए क्रिएटिव इंस्टा डार्क पेंसिल में देखने को मिलती है। ये देखिए 2B शेड्स में हमें देखने को मिलते हैं। गाइस 70 रुपये एमआरपी की हमें पेंसिल देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं एक बार यहाँ पे। एंड गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये देखिए फ्लेयर की तरफ से आने वाला एक रोलर, जो देखिए हमें स्केल भी कह सकते हैं। एंड गाइस 15 सेंटीमीटर का ये रोलर है। एंड गाइस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट देखने को मिलता है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारी किट के अंदर एक हमें ये देखिए फ्लेयर की तरफ से आने वाली बॉम्ब जुम्बो इरेजर है। ये देखिए गाइस काफ़ी बिग साइज के रेजर देखने को मिलते हैं। इनके 10 रुपये एमआरपी के रेजर है। एंड गाइस ये रेजर के ऊपर ये देखिए लिखा है डस्ट फ्री रेजर है। तो गाइस ये मतलब क्वालिटी वाइज भी काफ़ी बेस्ट ही होगी। एंड गाइस ये कलर्ड रेजर नियॉन कलर में हमें रेजर देखने को मिलती है। तो इसको भी हम रखते हैं एक बार साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारी किट के अंदर हमें देखने को मिलती है ये देखिए फ्लेयर की क्रिएटिव वैक्स क्रेयॉन्स है। ये देखिए गाइस छोटी पैकिंग हमें देखने को मिलती है क्योंकि 99 रुपीज़ है एमआरपी, तो छोटी पैकिंग हमें देखने को मिल सकती है। एंड गाइस 12 शेड्स हैं, 10 रुपये एमआरपी। तो गाइस क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ कलर की किस तरह। ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छे से कलर हमें क्रिएटिव देखने को मिलते हैं। तो इसको भी हम रखते हैं एक बार बंद करके यहाँ पे साइड में। तो गाइस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये देखिए फ्लेयर की तरफ से आने वाले क्रिएटिव मिनी स्केच पेन देखने को मिलते हैं। इनके 12 शेड हैं इसके। एंड गाइस एमआरपी इसका ये देखिए 15 रुपये एमआरपी आपको देखने को मिलता है। इनकी क्वालिटी वाइज फ्लेयर की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है, मैंने यूज़ भी किए हुए हैं इनको। तो गाइस इसके बाद हमें लास्ट में हमारी किट के अंदर हमें देखने को मिलता है ये देखिए हमें एक शार्पनर एंड एक हमें कार्बोनेक्स पेन देखने को मिलता है। ये इस क्वालिटी वाइज पेन की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट, आपने ये चलाया भी होगा एंड यूज़ भी किया हुआ है। तो गाइस इसके बाद हमारा शार्पनर है ये गाइस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट है। एंड गाइस काफ़ी यूनिक से इन्होंने डिज़ाइन बनाया है शार्पनर का, तो इसको भी हमें इसी के साथ रखते हैं साइड में। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फ्लेयर की किट में हमें कुछ इतने प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस इसी के साथ हम अपनी डोम्स की किट को ओपन करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी किट यहाँ से ही हमारी डोम्स की किट ओपन होती है। तो गाइस ये देखिए यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए सबसे पहले हमारी किट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ये देखिए डोम्स की किट में हमें सुपर डार्क 2HB में हमें ग्रेफाइट पेंसिल देखने को मिलते हैं। गाइस इसके बाद हमारा एमआरपी की बात करें तो ये देखिए 30 रुपीज़ एमआरपी है, 5 पेंसिल हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसे ओपन करते हैं, ये देखिए गाइस हमारी पेंसिल कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। हर पेंसिल के ऊपर हमें ये देखिए सुपर डार्क लिखा हुआ देखने को मिलता है। गाइस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट पेंसिल है। एंड गाइस बिल्कुल मैट ब्लैक कलर में हमें पेंसिल देखने को मिलती है, जो गाइस काफ़ी प्रोफेशनल पेंसिल हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं एक बार यहाँ पे साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है ये देखिए हमारा एक 2-in-1 शार्पनर, जो देखिए गाइस इसका शार्पनर का नेम ये देखिए यहाँ पे लिखा है रेजनर शार्पनर है इसका। एंड गाइस क्वालिटी वाइज शार्पनर की भी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ पे हमारे शार्पनर होते हैं। एंड गाइस इसका ये कैप हटाएंगे तो यहाँ पे हमारी इरेजर देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे एक बार साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है ये देखिए डोम्स की तरफ से आने वाला 15 सेंटीमीटर का हमें स्केल देखने को मिलता है, जिसे हम रोलर भी कहते हैं, आपको नॉर्मल इजिल पता ही है इसका नाम। एंड गाइस एमआरपी इसका ये 5 रुपये एमआरपी है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये देखिए हमारा डोम्स की तरफ से आने वाली कलर पेंसिल है, ये देखिए 12 शेड्स हैं इसके साथ है। एंड गाइस इसके जो मतलब चॉक होल्डर होता है ना जिस तरह का, उसी तरह के इसमें ये पेंसिल होल्डर भी हमें इसके साथ बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है। एंड गाइस शार्पनर भी इसके साथ फ्री होता है। तो एमआरपी की बात करें तो ये देखिए गाइस 25 रुपीज़ एमआरपी इसका। एंड गाइस मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ क्वालिटी किस तरह की। तो गाइस ये देखिए हमारी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट हमें कलर की देखने को मिलती है, ये देखिए पेंसिल कलर्स की।
तो गैस इसको भी रखते हैं, इसी के साथ हम इसे भी साइड में एंड गैस यहाँ पे हम इसे रखते हैं। एंड गैस इसके बाद हमारी किट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ये देखिए डोमस की तरफ से आने वाले वैक्स क्रेयॉन्स कलर हैं। एंड गैस 12 शेड्स हैं इसके। एंड गैस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट होते हैं, आपने यूज़ भी किए हैं ये कलर तो सभी ने यूज़ किए होते हैं नॉर्मल में। एंड गैस MRP इसका 10 रुपये है, MRP सबको पता भी होता है। एंड गैस यूज़ किए तो नॉर्मल इजी नॉर्मल सी बात सबको MRP भी पता ही होगा। तो गैस इसके बाद हमारे पास आते हैं मार्केट के अंदर ये देखिए डोम्स की तरफ से आने वाले प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर है। एंड गैस इसके साथ हमें 6 कलर हमें देखने को मिलते हैं गैस, क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं होती है। एंड गैस 25 रुपीज़ MRP में आपको देखने को मिलता है। एंड गैस यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, तो गैस ये देखिए हमारे ओपन होने के बाद हमें यहाँ से इसे कलर निकालते हैं। तो गाइस ये देखिए कलर की क्वालिटी अपने काफ़ी बेटर हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं एक बार यहाँ पे साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारी किट बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो मैं इसको भी हम एक बार साइड में रखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी डॉम्स किट में हमें कुछ इतने प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस हमारी फ्लेट की किट में हमें कुछ इतने प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइस लास्ट हमारी रह गई अप्सरा किट, तो गाइस इसको भी हम ओपन करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी अप्सरा किट यहाँ से हमारी ओपन होती है। तो गाइस मैं ये देखिए यहाँ से हम ओपन करते हैं, इस टेप को उतार देते हैं तो यह ओपन हो जाएगी। तो वैसे इसको हम ओपन कर लिया है। तो वैसे ये देखिए सबसे पहले हमें अप्सरा किट में हमें देखने को मिलती है ये देखिए 5 रुपीज़ की MRP की इरेजर देखने को मिलती है। वैसे ये बिग साइज़ की इरेजर होती है। एंड गैस क्वालिटी वाइज की इरेजर की काफ़ी क्वालिटी बेटर होती है। तो वैसे इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास है ये देखिए अप्सरा की तरफ से आने वाला एक गोल्ड डिजाइनर शार्पनर होता है, जो गाइस ये देखिए क्वालिटी वाइज कुछ इस तरह से ये गाइस जो डिब्बी इसकी काफ़ी लूज हमें देखने को मिलती है बिल्कुल, फिर भी क्वालिटी वाइज थोड़ा सा बैटरी मुझे देखने को मिलता है। एंड गाइस इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें अप्सरा की तरफ से आने वाले ये देखिए 3 शार्पनर देखने को मिलते हैं, जो गाइस ये देखिए बिग साइज की शार्पनर है। ये देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस बड़े साइज के शार्पनर, ये तीनों शार्पनर सेम ही है। एंड गाइस 5 रुपीज़ MRP में इजिली मिल जाते हैं। तो गाइस शार्पनर की क्वालिटी की बात करें शार्पनर एंड दोनों की क्वालिटी काफी बेस्ट होती है डॉम्स एंड अप्सरा की। तो गाइस इसको हम रखते हैं कुछ साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये देखिए अप्सरा की तरफ से आने वाली प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे हमारी अप्सरा की ब्रांडिंग। एंड गाइस क्वालिटी वाइज ये पेंसिल काफी बेटर होती है। एंड गाइस MRP बात करें तो ये देखिए गाइस 60 रुपये MRP में आपको मिल जाती है किट के अंदर। एंड गाइस इसे भी हम ओपन करते हैं, तो गाइस ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से हमें एक इरेजर एंड एक शार्पनर हमारी पेंसिल के अंदर बिल्कुल फ्री मिलता है। एंड गाइस सेकंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये देखिए हमारी पेंसिल की, ये देखिए 10 पेंसिल का हमें एक सेट देखने को मिला है। गाइस ये देखिए ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ये हमें पेंसिल देखने को मिलता है। एंड गाइस पेंसिल के ऊपर हर पेंसिल के ऊपर अप्सरा प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क लिखा हुआ देखने को मिलता है। एंड गाइस क्वालिटी वाइज पेंसिल की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट, आपने यूज़ भी की नॉर्मल डॉम्स की और अप्सरा की ज़्यादा पेंसिल सेल होती है, तो गाइस आपने भी यूज़ की हुई होगी। तो इसको भी हम रखते हैं एक बार साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारी किट के अंदर ये देखिए अप्सरा की तरफ से आने वाला एक रोलर देखने को मिलता है, जो गाइस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट है। एंड गाइस फ्लेयर का भी रोलर जो हमें देखने को मिलता है स्केल जो काफ़ी बेस्ट देखने को मिलता है। एंड गाइस इसके जो हमारा अप्सरा का जो स्केल देखने को मिलता है ये भी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, तो इसको भी हम रखते हैं एक बार साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आते हैं ये देखिए अप्सरा की तरफ से आने वाले वैक्स क्रेयॉन, ये देखिए 12 शेड्स हैं इसके। MRP की बात करें तो ये देखिए 10 रुपये MRP है। तो गाइस हमें तीनों किट के अंदर हमें एक एक वैक्स क्रेयॉन जरूर देखने को मिला, ये देखिए फ्लेयर का क्रिएटिव वैक्स क्रेयॉन एंड डॉम्स का वैक्स क्रेयॉन एंड ये देखिए अप्सरा का वैक्स क्रेयॉन। तो गाइस क्वालिटी वाइज अप्सरा एंड डॉम्स की क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है कंपैरिजन टू फ्लेयर की, तो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। एंड गाइस नेक्स्ट हमें हमारी किट के अंदर लास्ट आइटम हमें देखने को मिलती है ये देखिए अप्सरा की तरफ से आने वाले 5 रेजर का हमें एक सेट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से एंड काफ़ी नॉन से कलर हमें देखने को मिलते हैं रेजर के। एंड गाइस MRP की बात करें तो ये देखिए 10 रुपये MRP में आपको ये इजिली मिल भी जाते हैं। एंड गाइस हमारी किट के अंदर भी 10 रुपये MRP में आपको मिल जाते हैं, तो गाइस इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है। तो गाइस इसको भी हम रखते हैं एक बार साइड में। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये भी अप्सरा की किट भी बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो इसको भी हम रखते हैं एक बार साइड में। तो गाइस ये देखिए हमारी अप्सरा किट में हमें कुछ इतने प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस ये देखिए क्वालिटी वाइज अप्सरा के एंड डॉम्स की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलती है कंपेरिजन टू फ्लेयर के। एंड गाइस कलर की क्वांटिटी की बात करें तो ये देखिए हमें डॉम्स में ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलती है, ये देखिए हमें पेंसिल कलर भी देखने को मिलते हैं, वैक्स क्रेयॉन भी एंड प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी देखने को मिलते हैं। एंड गाइस इसी के साथ फ्लेयर की बात करें तो ये देखिए हमें 2 कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड गाइस अप्सरा में हमें एक ही कलर देखने को मिलता है जो हमारा वैक्स क्रेयॉन्स है। तो गाइस इसमें अप्सरा में हमें मेन पेंसिल देखने को मिलती है प्लैटिनम पेंसिल। एंड गाइस इसमें हमें डॉम्स में ग्रेफाइट पेंसिल देखने को मिलती है जो हमें 5 पीस ही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस फ्लेयर में एंड अप्सरा में हमें 10-10 पेंसिल का एक सेट देखने को मिलता है, पूरी डिब्बी देखने को मिलती है। लेकिन गाइस फिर भी अगर आप इन तीनों किट में से कोई सी भी किट बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डॉम्स की या फिर अप्सरा किट, या फिर अगर इन दोनों किट में से आप बाय करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि सिंगल डॉम्स किट, क्योंकि डॉम्स किट ज़्यादा बेस्ट भी एंड कलर की क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है एंड क्वालिटी भी कलर की ज़्यादा बेस्ट होती है।
कंपैरिजन टू फ्लेयर एंड अप्सरा। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जो बताने कि आप इन तीनों किट में से कौन सी किट बाय करना चाहेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जो कि ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके एंड आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।